प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में नव दंपत्ति को दबंगों ने गोली मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। खुटार थाना क्षेत्र के गांव नवदिया मनखंड में रहने वाले देवशरण मिश्रा के 22 वर्षीय बेटे रोहित मिश्रा का इसी साल 20 जून को तिलक समारोह हुआ था। 22 जून को उनकी शादी बीशलपुर में रहने वाली स्नेहा के साथ हुई थी। बताते हैं कि रोहित के तिलक समारोह कार्यक्रम निपटने के बाद जब रोहित के परिजन टेंट का सामान छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी गांव में रहने वाले कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया और उन्होंने रोहित और उनके पक्ष के लोगों को पीट दिया था, जिसकी तहरीर थाने पर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। बताते हैं कि शनिवार रात 8 बजे के करीब रोहित अपनी पत्नी स्नेहा को ससुराल से विदा कराकर लौट रहा था, तभी डकना गांव की मोड़ के पास पहले से घात लगाए हुए कुछ लोगों ने रोहित और उसकी पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। दबंगों के घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने से गोली रोहित की पत्नी स्नेहा के सिर में जा लगी, जबकि दूसरी गोली रोहित के हाथ में लग गई। हमलावरों के घात लगाकर दंपत्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने की वजह से रोहित की पत्नी स्नेहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर असलाह लहराते हुए फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने स्नेहा को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल रोहित को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा, CO पुवाया प्रवीण सिंह यादव, इंस्पेक्टर पुवाया जसवीर सिंह भी मौके पर पहुंच गए। खुटार इंस्पेक्टर संजय सिंह पुलिस बल के साथ गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गए हैं। बहन क्या जाय दे रहा है, हमारी बिटिया क्या तो गांव किनारे जब आए पूरे गांव भाए ढकना एक गांव पड़ते गांव की ढकना फिर वो हमारे गांव ले आओ पर मुरे तो भाई फैल गई हमारी चाय किसने वाली राम सिंह राम सिंह क्यों मारी विजय क्यों मारी 22 जून को झगड़ा हो गया था ये 2019 22 जून को झगड़ा हो गया था तो गौतम ने इसके घर सर पे डंडा मार दिया लाठी खबरी फूट गई फिर वो हमने रिपोर्ट थाने में दी डा थाने में अच्छा देने के बाद में पुलिस प्रशासन ने कोई तवक्का ही नहीं दिया पकड़ा। खुटार थाना क्षेत्र से रोहित कुमार मिश्रा करके आए, जिनकी उम्र 27 साल के करीब है और इनको जो है बाएं हाथ में जो है गोली लगी हुई है और जो है इनके सर में थोड़ी चोट भी आई हुई है, तो अभी जो है इनका इलाज चालू कर दिया है, देख लिया है, हड्डी वाले हमने भी देख लिया है, सर्जन साहब ने भी देख लिया है इनको, अभी इनको ऑब्जर्वेशन में अपने यहाँ रखा हुआ है, बाकी जाँच चेक करेंगे हम। क्या हालत है पेशेंट? अभी हालत फिलहाल स्टेबल है इनकी। सर ये किस तरीके घटना हुई और क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी कुटार थाने के एक गांव के अंतर्गत एक व्यक्ति ने गोली चलाए, उसमें एक महिला का मृत्यु हुआ है, तो इस संबंध में और उनके पति को कोने पे हाथ पे लगी है इंजरी हुआ है, तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त का गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।